हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस किया वो था हमारा हीरोन फार्मूला, और हीरोन फार्मूला से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं समझता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आ गया होगा। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। 8th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए, 8th क्लास में आपने वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया में तीन सॉलिड के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में और सिलेंडर के बारे में। और अगर आप NTSC सेक्शंस में थे तो आपने उसमें पढ़ा होगा कौन और स्पीयर और हेमिस्फीयर भी। लेकिन फिर भी हम एक बार उन फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे दोबारा से, और फॉर्मूला ड्राइव थोड़े थोड़े करने की कोशिश भी करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे बना। तो उससे पहले एक चीज जो आपने पढ़ी होगी कि टू डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर इज सॉलिड। व्हाट इज अ सॉलिड? टू विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सपोज इट इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल, इट इज ए रेक्टेंगल, इट डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, बोर्ड में मैंने मार्क कर दिया। लेकिन अगर ये कहें कि रेक्टेंगल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन दैट बिकम्स ए सॉलिड, वो सॉलिड बन जाएगी, दैट विल हैव एनी थिकनेस, उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। ये बोर्ड है मेरे पास, ब्लैक बोर्ड, इट इज सॉलिड, ये सॉलिड बन गया क्योंकि इट हैज थिकनेस, इसकी थिकनेस है। बट विच हैज नो थिकनेस, देन दैट इज टू डायमेंशनल, जिसकी कोई थिकनेस नहीं है। थिकनेस है तो क्या बन गया, सॉलिड विद दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, वी कैन मूव दैट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज सॉलिड। तो जो हम अभी मैं डायरेक्ट चलता हूँ किस पे, फॉर्मूले पे, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड। क्यूबॉइड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड सेम थिंग फॉर क्यूब। उसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन को, स्फीयर को, हेमिस्फीयर को और सिलेंडर को। तो लेट्स स्टार्ट विद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड हैज सिक्स फेसेस, जस्ट लाइक अवर रूम, हमारे रूम की तरह से, दैट इज ए रूम इज ए क्यूबॉइड। रूम क्या, हमारे पास क्यूबॉइड है और दैट में भी क्यूब, वो क्या हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, देन इट इज ए क्यूबॉइड। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड की लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट होती है। देन व्हाट इज इट्स लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज डिफरेंस। टोटल सरफेस एरिया, जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, टोटल मींस एरिया ऑफ ऑल फेसेस, सभी फेसेस का एरिया। एंड लैटरल सरफेस एरिया, बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड। लैटरल सरफेस एरिया में जो हमारे पास है, बेस और टॉप इंक्लूड नहीं होता है, मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो व्हाट विल बी लैटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया, ईच फेस इज ए रेक्टेंगल, हर फेस क्या है, रेक्टेंगल, एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये फेसेस भी आइडेंटिकल होंगे, एंड बेस एंड टॉप आर ऑल्सो आइडेंटिकल इन क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर में और प्रिज्म में बेस और टॉप भी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देन व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसके अपोजिट जो फेस है, दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड सेम आइडेंटिकल रेक्टेंगल। तो क्या बन गया, इन दोनों का अपोजिट फेसेस का 2 into LH, प्लस इस फेस का क्या बन गया हमारे पास, B into H, और आइडेंटिकल अपोजिट फेस, तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ BH। 2H अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2H into L plus B, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, और वी कैन से इट इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम, रूम की फोर वॉल्स का एरिया है ये। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, मींस ऑल फेसेस आर देयर, उसमें क्या होंगे, सभी फेसेस इंक्लूड होंगे, बेस एंड टॉप आर आल्सो इंक्लूडेड। बेस इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है 2 into LB, इसका बेस का हो गया L into B, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 मैंने लगा दिया, टॉप आइडेंटिकल है तो 2 into LB, प्लस लैटरल सरफेस एरिया 2BH plus 2LH, व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स 2 कॉमन, LB plus BH plus LH, LB plus BH plus LH, इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड, उस सॉलिड का वॉल्यूम इन विच देयर इज बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप के हमारे पास आइडेंटिकल हैं, जस्ट लाइक क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। तो उस सॉलिड का वॉल्यूम जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो हियर बेस एरिया क्या बनता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एंड इनटू हाइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या बन गया, LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
तो जो लेटरल सरफेस एरिया बना 2h into l plus b, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, यूनिट स्क्वायर से, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई हो रही है दो डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ हमारे पास मान लो किसी यूनिट में, ब्रेथ दूसरी यूनिट में, ब्रेथ भी यूनिट में, यूनिट इंटू यूनिट यूनिट स्क्वायर, ऐसे ही इसमें भी दो डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो एरिया क्या आएगा यूनिट स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा यूनिट्स क्यूब में आएगा, यूनिट्स क्यूब यूनिट हमारे पास दैट में भी सेंटीमीटर, दैट में भी मीटर और दैट में भी डेसीमीटर, कोई भी हो सकती है वो यूनिट, इंचेस भी हो सकती है, फिट भी हो सकती है, तो वॉल्यूम ऑलवेज क्या आएगा यूनिट क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे थ्री डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ यूनिट, ब्रेथ यूनिट में है और एच भी यूनिट में है, यूनिट 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 क्या बन जाएगा यूनिट क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ लेट्स सी फॉर क्यूब, क्यूब का क्या होगा हमारे पास, लेटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम देखते हैं वो भी। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ईच डायमेंशन विल बी डिफरेंट इन ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हर डायमेंशन क्या होगी डिफरेंट होंगी, और क्यूब में क्या होगी ईच डायमेंशन विल बी सेम, लेंथ ब्रेथ और हाइट विल बी सेम, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होंगे हमारे पास सेम होंगी, इट इज क्यूब, सपोज ये हमारे पास क्या है क्यूब है एंड ईच एज इज ए, क्यूबॉइड में डायमेंशन को हम लेंथ एल बी और एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब में हम डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ईच एज इज ए, क्यूब में ईच एज क्या होगा ए, क्यूब हैज आल्सो सिक्स फेसेस, क्यूब जब आप खेलते हैं कौन से डाइस, डाइस प्ले करते हैं, डाइस सांप सीढ़ी लूडो आपने खेला होगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस दौरान भी आप बाहर नहीं जा सकते, पार्क में घूमने नहीं जा सकते, तो घर में खेलेंगे तो या तो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं या कोई और गेम हम खेलते हैं, तो उसमें आप यूज करते हैं डाइस, डाइस इज ए क्यूब, वो क्या है क्यूब विद इट्स सिक्स फेसेस एंड ईच फेस इज स्क्वायर एंड ईच फेस इज आइडेंटिकल, हर फेस क्या होता है उसमें आइडेंटिकल होता है, तो एज ऑफ दिस क्यूब इज ए, इट हैज 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड सिक्स फेसेस, यूलर्स फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए हो पांचवी क्लास में कि फेसेस में, एजेस में और वर्टिसेस में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेसेस कितने हैं इसमें, फोर लेटरल सरफेसेस, बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड इन लेटरल पार्ट, बेस और टॉप लेटरल पार्ट में इंक्लूड नहीं किए गए, तो लेटरल सरफेस एरिया कितने स्क्वायर हो गए, फोर स्क्वायर इट बिकम्स, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या बन गया, दैट बिकम्स ऑल सिक्स फेसेस आर इंक्लूडेड, देन एरिया ऑफ ऑल सिक्स फेसेस दैट इज सिक्स स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है उसका वॉल्यूम हमारे पास बनेगा बेस एरिया इनटू हाइट, बेस स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू हाइट भी ए है, तो दैट बिकम्स ए क्यूब। व्हाट विल बी डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल हमने डायगोनल पढ़ा नहीं है, क्यूबॉइड का भी वापस चलेंगे हम क्यूबॉइड पे, उसका डायगोनल भी देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल अगर मैं अपने रूम में आप देखें, रूम में इस अपर कॉर्नर से हम अपोजिट लोअर कॉर्नर पे जाएंगे दैट विल बी डायगोनल, आठवीं सातवीं क्लास में आप पढ़ के आए हो क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इन ए क्यूबॉइड, दैट कैन बी पुट इन ए क्यूब, दैट विल बी लेंथ ऑफ डायगोनल, वो क्या होगी हमारे पास डायगोनल की लेंथ, तो ये मेरे पास क्या होगा डायगोनल होगा, इस डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है, तो हम क्या करें, हम बेस एक स्क्वायर है उस स्क्वायर का डायगोनल ले लें, स्क्वायर का डायगोनल इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सपोज दिस फिगर ए बी सी, फिगर को इमेजिन करें दैट विल बी राइट ट्रायंगल, ये क्या होगी हमारे पास ए बी सी राइट ट्रायंगल होगी, सपोज इट इज डी, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी क्या है स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा लेकिन इट इज 90, ये क्या है 90, आप हर कॉर्नर में देखें तो वो क्या एंगल 90 है, तो एंगल 90 है तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर का डायगोनल निकाल लें हम, ये ए है मेरे पास, ये भी ए है, इट इज ए, इट इज ए, देन लेंथ ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल की लेंथ क्या बन जाएगी रूट टू ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो एबीसी फिगर को मैं अलग से निकाल रहा हूं, ये क्या हो गया हमारे पास, ये था हमारे पास बीसी, इट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल था एंड दैट इज रूट टू ए, वो क्या हमारे पास रूट टू एंड इट इज हाइट ए, और ये हमारे पास क्या बन रहा है राइट एंगल, इट इज डायगोनल, ये क्या हमारे पास डायगोनल, तो डायगोनल इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर क्या बनेगा टू ए स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इट बिकम्स ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स रूट थ्री ए, डी क्या बनता है हमारे पास रूट थ्री ए, तो लेंथ ऑफ डायगोनल व्हेन एज इज नोन, एज नोन है तो क्या बन जाएगा रूट थ्री टाइम्स इनटू एज, दैट विल बी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब एंड सपोज इफ इट इज क्यूबॉइड, मान लो ये हमारे पास क्यूबॉइड है देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी देखते हैं, इफ इट इज क्यूबॉइड देन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल विल बी डिफरेंट, सभी क्या होंगे डिफरेंट,
क्यूब इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड, क्यूब को हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं. क्यूब इज सच टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच ई सेज इज इक्वल. क्यूबॉइड क्यूब वो क्यूबॉइड है जिसमें ई सेज क्या है, इक्वल है. इट इज मान लो सपोज इट इज क्यूबॉइड, देन इट इज लेंथ, इट इज ब्रेथ एंड इट इज हाइट. इट इज ब्रेथ एंड इट इज हाइट. अब पहले देखें हम बीडीसी राइट ट्राइंगल में. इन राइट ट्राइंगल बीडीसी इट इज रेक्टेंगल, देन इट इज डायगनल ऑफ रेक्टेंगल. ये क्या हो गया, बीसी डायगनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया बी सी डी. इट इज 90. इट इज वट इट इज, इट इज बी एंड इट इज एल. देन वट इज बी सी, बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड इट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. That is BC. या कहें BC square is equal to क्या बनता है, L square plus B square. That is BC square. अगर मैं चाहूँ आपके स्पीकर में इन ट्राइंगल ABC, ABC में मैं अगर पहुंचता हूँ तो मैंने BC भी फाइंड कर लिया. It is BC. ये मेरे पास क्या है, BC है, it is 90 degree, it is A. It is H and it is BC. BC भी मेरे पास है, हमें निकालना है AC, AC is D. तो AC square is equal to हमारे पास बनेगा BC square plus AB square. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो एसी स्क्वायर मींस एसी क्या है मेरे पास, डी. तो डी स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीसी. बीसी का बीसी स्क्वायर हमने निकाल लिया, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर. एबी स्क्वायर इज एच स्क्वायर. देन व्हाट डी बिकम्स, डी क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट विल बिकम डायगोनल. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल. तो डायगनल ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ रोड दैट कैन बी पुट इन द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट रोड पुट कर सकते हो क्या होगी, डायगनल होगी क्यूबॉइड का. दैट विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है. क्वेश्चंस में कभी किसी क्वेश्चंस में मान लो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, तो वहां से हम एज निकाल लेंगे. मान लो कभी जो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है उसमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया, उसमें लेटरल सरफेस एरिया दिया, और कोई रिलेशन पूछता है तो रिलेट करना है हमें, और कुछ भी नहीं है. तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 8, 6 एंड 4 सेंटीमीटर. कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, 8, 6, 4 है. देन फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ डायगोनल. सपोज इट इज क्यूबॉइड, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इट इज क्यूबॉइड, ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है. इट इज लेंथ, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर. कह रहा है फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मींस बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ फोर वॉल्स. फोर वॉल्स का एरिया दैट इज फार्मूला क्या है हमारे पास, 2h into l plus 2. 2h, 2a into h क्या है हमारे पास, 4, 2 into 4, 8 becomes and l plus b, 8 plus 6, it is 14. 14 into 8, it is 8, 4 jar 32 and 8 or 3, 11, 112 centimeter square, 112 centimeter square. What is total surface area? What is total surface area? Total surface area क्या होगा, 2 into lb plus bh plus l. 2 into lb, length into breadth. Length into breadth, 8 into 6, 48, plus breadth into height, BH, 6 into 4, 24, plus LH, 8 into 4, 32. It becomes 2 into 48 plus 32, it is 80, 80 plus 24, it is 104, and that becomes 208 centimeter square total surface area of cuboid. Ye cuboid ka kya ho gaya hamare paas, total surface area. Then what will be the volume? Volume kya hoga hamare paas? Volume kya banta hai hamare paas? वॉल्यूम इज मैंने बताया वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ 8, ब्रेथ 6, इंटू हाइट 4. 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 क्या बनता है, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 192 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट विल बी द वॉल्यूम. मान लो आगे इसमें पूछे व्हाट इज डायगोनल, तो डायगोनल क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना बनता है हमारे पास, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 एंड इट बिकम्स 116 स्क्वायर रूट एंड अप्रोक्सीमेटली 116 स्क्वायर रूट. इट 116 लाइज बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दैट आर 100 एंड 121, और उनके बीच में लाइकर है. अप्रोक्सीमेशन से आप निकाल सकते हैं. सपोज इट इज 10.8 सेंटीमीटर,
लगभग, लेकिन आप स्क्वायर रूट निकालें, इसको कंफर्म करें और तब आंसर लिखें। तो हमने निकाला क्या, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए क्यूब के लिए कह रहा है एज ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, देन सारी चीजें फाइंड करनी है, उसमें भी यही लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल भी निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो लेट इट इज ए क्यूब, मान लो ये मेरे पास क्या है, क्यूब है, इट इज है क्यूब, ईच एज इज ए, ईच एज ए है एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वो क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देन व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया में निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ओनली 4 faces आर देयर, साइड faces आर देयर, बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड, एरिया ऑफ 4 walls दैट विल बी 4 square, ईच फेस इज ए स्क्वायर, क्यूब में हर फेस क्या है स्क्वायर एंड ईच स्क्वायर इज आइडेंटिकल। तो क्या हो जाएगा, 4 into a 6 square 36, दैट इज 144 centimeter square, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया बिकम्स, टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाता है मेरे पास यहाँ पे 6a square, 6 into a square 36, दैट इज 216 centimeter square। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, दैट इज ए क्यूब, और यू कैन से बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट ए, दैट बिकम्स ए क्यूब, एंड 6 cube 6 into 6 into 6, दैट इज अगेन 216 cubic centimeter। वो क्या आ गया हमारे पास, 216 cubic centimeter आ गया। हमें निकालना है सपोज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज √3। वो क्या होगा, √3 8 6, देन इट इज 6√3 centimeter, दैट विल बी डायगोनल ऑफ क्यूब। वो क्या होगा, डायगोनल होगा। मान लो इसी क्वेश्चन में ये कहें, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, इट इज क्यूबिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल बॉक्स है एंड ओपन है टॉप से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इफ इट इज ओपन, ओपन है तो कितने फेसेस इसमें सेफ है, दैट आर 5 faces, तो क्या बन जाएगा 5 square, मतलब ऊपर से ढक्कन इसके नहीं है, ओपन है, तो एक फेस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे 5 square, 5 into 6 square 36, दैट इज 180। एंड सपोज इट इज देयर, ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ टीन सीट टू मेक इट, इसको बनाने के लिए जो टीन सीट है उसकी कॉस्ट निकालिए, इफ 1 centimeter square कॉस्ट रुपीज 10, 1 centimeter square की कॉस्ट 10 है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास सीट की, 1 centimeter, एरिया ऑफ सीट ओपन बॉक्स, अब मैं यहाँ पे ये नहीं ले रहा टोटल, ओपन बॉक्स है, बॉक्स ओपन है, ओपन है तो उसका सरफेस एरिया 5a square बन गया, दैट इज 180, एंड कॉस्ट ऑफ 1 centimeter square सीट इज ₹10, देन टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दैट विल बी 1800, इस बॉक्स को बनाने की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही क्यूबॉइड में मान लो हमसे पूछता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है या क्यूबॉइडल बॉक्स है, ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से ओपन है, तो उसमें पहले एरिया ऑफ सीट निकालेंगे फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सीट क्यूबॉइड है, ओपन है ऊपर से, ऊपर से ओपन बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें 4 faces सेम है, 2h into l + b, प्लस एरिया ऑफ बेस lb, मीन्स टॉप क्या हो जाएगा ओपन, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 5 faces, 5 faces का एरिया होगा, और एरिया ऑफ सीट होगा, सीट का एरिया निकाल के हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहे हैं कि क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 50 meter square, एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 50 है एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 36, लेटरल सरफेस एरिया 36 है, देन फाइंड एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ऑल 6 faces आर इंक्लूडेड एंड इन लेटरल सरफेस एरिया बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड, तो अगर मैं निकाल रहा हूं एरिया बेस और टॉप का, क्यूबॉइड में बेस और टॉप क्या होते हैं, बेस का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों का एरिया क्या होगा 2 into lb, 2 into lb अगर मैं निकालूं, बेस और टॉप का एरिया मैं निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया माइनस लेटरल सरफेस एरिया, टोटल माइनस लेटरल सरफेस एरिया, दैट विल बी एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, तो 2 lb दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया गिवन 50 एंड लेटरल सरफेस एरिया गिवन दैट इज 36, तो मेरे पास 2 lb आ गया हमारे पास 14, एंड lb लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 7 meter square, मीटर में था ये, टोटल सरफेस एरिया 50 meter square, लेटरल सरफेस एरिया 36 meter square, तो हमारे पास एरिया ऑफ बेस क्या आ गया 7 meter square, एरिया ऑफ बेस, बेस इज ए रेक्टेंगल। एक क्वेश्चन और देखे क्यूबॉइड से रिलेटेड, कह रहा है कि एक रिवर है दैट इज 3 meter डीप, 14 मीटर वाइड एंड फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर,
देन फाइंड हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, एक मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो देखें यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर है। अगर इमेजिन करें हम कैनाल और रिवर को, उसकी वाइड दी हुई है, उसकी डेप्थ दी हुई है, एंड लेंथ क्या होगी, लेंथ जो फ्लो ऑफ वाटर है, जितने टाइम का फ्लो ऑफ वाटर दिया हुआ है, जो स्पीड दी हुई है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज लेंथ। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे। तो यहां पे दे रखा है वाइड्थ ऑफ रिवर, वाइड्थ ऑफ रिवर, वाइड्थ को हम क्या लेते हैं बी से, ब्रेथ से, दैट इज 3 मीटर, एंड डेप्थ ऑफ रिवर, रिवर की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ रिवर यहाँ पे क्या थी हमारे पास, रिवर थी, रिवर की वाइड दी हुई है, रिवर की डेप्थ, डेप्थ ऑफ रिवर, डेप्थ को किससे कंसीडर करते हैं हम, एच से, हमारे फॉर्मूले में किससे कंसीडर कर रहे हैं, एच से या डी से भी कर सकते हैं, दैट इज 40 मीटर। एंड फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो है पानी का रिवर में, फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का फ्लो है, दैट इज कंसिडर्ड एज एल, एंड दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। वो फ्लो क्या दे रखा है, पर आवर, एक घंटे में 2 किलोमीटर लेंथ के बराबर पानी बह रहा है। तो इसको मीटर में हम चेंज कर लें, हमारे पास अदर डाटा मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो दैट बिकम्स 2000 मीटर पर आवर। हमें फ्लो निकालना है पर मिनट का, 60 मिनट्स में जो फ्लो है, फ्लो इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, दैट इज 2000 मीटर। 60 मिनट्स में फ्लो कितना है, 2000 मीटर। देन फ्लो इन वन मिनट, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एल लेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर इन वन मिनट, एक मिनट में जो पानी का फ्लो होगा, दैट इज एल, वो क्या मान लेंगे हम, एल मान लेंगे, और वो आ जाएगा हमारे पास 2000/60 मीटर फ्लो इन वन मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स इन टू द सी इन अ मिनट, एक मिनट में, एक मिनट का मैंने फ्लो निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा वो, एल बी एच, लेंथ इज 3, ब्रेथ इज 40, एंड एच इज 2000, सॉरी ब्रेथ इज 3, एच इज 40, एंड लेंथ इज 2000/60। इसको हम सिंप्लीफाई करें, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, 3 से 2 पे कैंसिल, और 2 से 2 पे कैंसिल, इट इज 4000 मीटर क्यूब। और अगर इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर लीटर में निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1/1000 लीटर के होता है, 1 मीटर क्यूब किसके होता है, 1000 लीटर। तो यू कैन कन्वर्ट इट इन लीटर, लीटर में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो दिस जो लीटर पानी होगा, क्यूबिक मीटर पानी होगा, वो समुद्र में गिरेगा कितनी देर में, 1 मिनट में। तो जो अभी हमने पढ़ा क्यूबॉइड में, क्यूब में क्या पढ़ा हमने, कैपेसिटी पढ़ी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कितना पानी ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना इसके अंदर लिक्विड आ सकता है, या इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, दैट विल बी कैपेसिटी, दैट विल बी वॉल्यूम। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड लेंथ ऑफ इट्स एज एंड वॉल्यूम, एज की भी लेंथ निकालनी है और हमें वॉल्यूम भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है यहां पे हमारे पास, क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इफ एज इज एट, दैट इज 6 स्क्वायर, 21600, 6 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो इट इज 3600, एंड ए स्क्वायर इज 3600 बिकम्स, देन ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 3600, एंड दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ए कितना आता है हमारे पास, 60। तो एज हमारे पास 60 आ गया, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स 60 क्यूब, 60 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 0000, 3 0, एंड 6 क्यूब क्या होता है, 216, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 216000 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट विल बी वॉल्यूम, और यू कैन से कैपेसिटी। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर, 3 एडजेसेंट फेसेस हैं क्यूबॉइड के, वो दे रखे हैं, उनका एरिया एक्स वाई एंड जेड, इफ इट्स वॉल्यूम इज वी, then prove that v square is equal to x y z, v square किसके equal होगा, x y z के equal होगा।
सरफेस एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड है, इट इज क्यूबॉइड, सपोज इट इज क्यूबॉइड, ये हमारे पास क्या है क्यूबॉइड। एडजेसेंट फेसेस क्या होंगे, मान लो आप अपने रूम में बैठे हैं, उस रूम में इमेजिन करें आप जो फ्लोर है, एक तो फ्लोर हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दीज आर थ्री एडजेसेंट फेसेस, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया और एक ये फ्रंट फेस हो गया हमारे पास, दीज आर थ्री एडजेसेंट फेसेस, जिसमें हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, इस फेस में लेंथ इनटू हाइट, और जो ये फेस है इसमें क्या हमारे पास ब्रेथ इनटू हाइट, थ्री एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो इनका एरिया दे रखा है, पहला इस फेस का एरिया क्या दे रखा है, एल बी दैट इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये दे रखा है फ्रंट फेस, इसका हो गया हमारे पास एल इंटू एच दैट इज इक्वल टू वाई, और सपोज इट इज साइड फेस, इट इज बी इंटू एच दैट इज जेड। ये सरफेस एरिया दे रखा है तीन एडजेसेंट फेसेस का, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई इट बिकम्स एल बी इंटू एल एच इंटू बी एच दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये बन जाएगा एल टू टाइम्स बी टू टाइम्स एच टू टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एल बी एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्या बनता है हमारे पास एक्स वाई जेड, और एल बी एच क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम, देन वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट कांस एक्स वाई जेड, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। थ्री एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया था, वो लिया हमने, तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या बन गया रिजल्ट बन गया। एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमारे पास, कह रहे कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, या लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 21 एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 13, और डायगोनल की लेंथ क्या दे रखी है 13 दे रखी है। सपोज सेम क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सेम क्यूबॉइड है हमारे पास, लेंथ हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास, हाइट है हमारे पास, कह रहे कि सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एल बी एच दैट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज 13 सेंटीमीटर। What is diagonal of cuboid? Cuboid का diagonal क्या होता है? अभी मैंने बताया था, that is root L square plus B square plus H square. That is diagonal. That is equal to 13. And if we square on both sides, squaring both sides, it becomes L square plus B square plus H square. That is equal to 169 centimeter. जो हमारे पास आई क्या लेंथ ऑफ डायगनल, डायगनल की जो लेंथ थी उससे हमारे पास आगे सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा वैसे, तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ जाएगा 169। तो यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब पॉलिनोमियल में आप डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ के आए, उसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, उसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच दे रखा है, हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है, वी हैव टू फाइंड दिस, इट इज टोटल सरफेस एरिया, और आइडेंटिटी में क्या बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मैं स्टार्ट करूं अगर एल प्लस बी प्लस एच से, इसका स्क्वायर निकाल लूं एल प्लस बी प्लस एच, वही स्क्वायर आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, व्हाट इट बिकम्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इट बिकम्स 2ab plus 2bc plus 2ac, 2 common ले ले तो क्या बनेगा lb plus bh plus lh। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, l plus b plus h भी है, हमारे पास l square plus b square plus h square भी है, हमें ये फाइंड करना ही है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं l plus b plus h we have 21 square क्या हो जाएगा हमारे पास 441, that is l square plus b square plus h square we have already find that is 169, वो कितना है हमारे पास 169 plus 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हमें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच निकालना था, तो 441 माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और ये बन जाएगा 441 माइनस 169 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट रिमेन्स 2, हियर इट रिमेन्स 7 एंड इट इज 2, तो 272 इट इज इक्वल टू 2 इंटू LB plus BH plus LH and 2 into LB plus BH plus LH that is total surface area of cuboid, then total surface area becomes total surface area मेरे पास क्या बन गया that is 272 centimeter square। कब निकाला हमने ये surface area, कब आया जब sum of edges length breadth and height is given and diagonal is given, then also we can find total surface area that is 272 centimeter square। तो students Now we will stop here, हम यहाँ पे रुकेंगे, हमने पढ़ा यहाँ पे volume of cuboid, surface area of cuboid, diagonal of cuboid, हमने पढ़ा volume of cube, total surface area, lateral surface area of cube and diagonal of cube, और कुछ question भी किए।
तो आप सोल्व करें, ट्राई करें। हमारे पास जो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड, और उसके बाद तीन एक्सरसाइज छोड़कर चौथे एक्सरसाइज है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, दोनों एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। आज जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ उसके साथ असाइनमेंट मैं प्रीवियस टॉपिक के दे रहा हूँ हीरोंस फार्मूला के, तो वो आपको करने है। प्लस आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे रिलेटेड टू दिस क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सिलेंडर और कोन पे, और देन वी विल proceed for this sphere and hemisphere then okay students thank you।